नाउ वी आर कंटिन्यूइंग एक्सरसाइज 5E, क्वेश्चन नंबर 4, 14 माइनस 17 एक्स प्लस 5 एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स। तो बच्चों फर्स्ट कन्वर्ट द राइट द एक्सप्रेशंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए इसका पावर कितना है, स्क्वायर सबसे पहले इसको ही देंगे 5x स्क्वायर, देन 1 पावर माइनस 17x, नाउ कांस्टेंट ओनली प्लस 14, साइन चेंज नहीं करेंगे, बाय 2 माइनस x, फर्स्ट वी राइट माइनस x देन प्लस 2। नाउ डिवाइड इट, राइट 5x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 14 डिवाइडेड बाय माइनस x प्लस 2। वी नीड 5x स्क्वायर, सो वी मल्टीप्लाई बाय दिस एक्सप्रेशन बाय माइनस 5x। माइनस 5x से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, और हमें पहले प्लस का ही चाहिए होता है। ये प्लस है तो प्लस का ही चाहिए, माइनस है तो माइनस का ही चाहिए। 5x multiply by minus x, we get 5x square, 5 2 is 10, plus minus 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 10x. So we write here minus 5x, यहाँ पर लिखेंगे, minus नहीं लिखेंगे, कितना आया हमारे पास 5x square minus 10x. Now subtract them, if we subtract we change its sign, माइनस हेयर प्लस, दे आर इक्वल एंड हैव अपोजिट साइन, सो वी कैन कट देम, माइनस 17x प्लस 10x। तो बच्चों कितना आएगा, 17x प्लस 10x माइनस 7x प्लस 14, ठीक है, माइनस 7x प्लस 14। नाउ माइनस x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 7, सो वी गेट माइनस 7x हेयर। 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 7x, 7 टू ज 14, ठीक है। तो वी राइट हेयर प्लस 7, तो वी गेट माइनस 7x प्लस 14, सेम आना चाहिए क्योंकि हमें इसके साइन चेंज करने होते हैं, प्लस माइनस, कट देम 0, सो आर आंसर इज माइनस 5x प्लस 7, इट्स आंसर। बुक में हो सकता है इसका आंसर 7 माइनस 5x दिया हो, लेकिन वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में ही है दोनों, तो सेम एज इट इज लिख लेंगे। 14x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 15, 7x minus 4. Now we need 14x square, so we multiply by 2x. 7x minus 4 multiply by 2x. 2 7s are 14, x into x, x square, 2 4s are 8, minus 8x. ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पर first write here 2x and write it 14x square minus 8x. Now subtract them, minus plus. अब ये तो कट गया हमारा पूरा, ये 13 दोनों किसके हो गए हमारे पास, प्लस के, तो वी राइट हेयर 13 प्लस 8 21x माइनस 15, 15 ब्रिंग डाउन एंड 13 प्लस 8 21x. नाउ वी नीड 21x, सो 7x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 7s आर 21x, 3 4s आर 12. तो वी राइट हेयर प्लस 3, 21x माइनस 12, चेंज द साइन, माइनस प्लस, 21x कट, माइनस 15 और 12 आर नॉट सेम, सो सब्ट्रैक्ट देम, माइनस 15 प्लस 12 इज इक्वल टू माइनस 3. तो बच्चों ये पूरा नहीं कट रहा है, इसका मतलब इट इज़ रिमाइंडर,
वी राइट कोशेंट इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू माइनस थ्री. क्लियर? लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स. फर्स्ट राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर एक्स क्यूब फर्स्ट देन प्लस फोर एक्स स्क्वेयर माइनस फोर एक्स इन लास्ट प्लस थ्री बाय एक्स माइनस टू. तो बच्चों इसको अब हम बीच में लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स स्क्वेयर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू. वी नीड एक्स क्यूब सो वी मल्टीप्लाई दिस एक्स माइनस टू बाय एक्स स्क्वेयर. एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वेयर. सो वी राइट हेयर एक्स स्क्वेयर. यहाँ कितना आ रहा है बच्चों? एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वेयर. नाउ दे आर सेम, चेंज द साइन. फोर प्लस टू एक्स स्क्वेयर, फोर एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स स्क्वेयर. नाउ इट इज बच्चों यहाँ पर टू एक्स स्क्वेयर दिया हुआ है, सॉरी. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? टू एक्स स्क्वेयर सभी जगह. तो टू एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू फोर एक्स स्क्वेयर. नाउ माइनस फोर एक्स ब्रिंग डाउन, इसको हम नीचे लाएंगे यहाँ पर. नाउ वी नीड फोर एक्स स्क्वेयर. हमें इसकी फर्स्ट टर्म से ही कोई लेना होता है, उसी को लेकर के हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, बाकी टर्म्स को नहीं देखते हैं, केवल फर्स्ट टर्म जो होती है उसको देखते हैं, वो सेम लानी होती है. फोर, नाउ वी नीड फोर एक्स स्क्वायर. सो एक्स माइनस टू मल्टीप्लाई बाय फोर एक्स, फोर एक्स स्क्वायर, फोर टू ज़ा एट एक्स. वी राइट हेयर प्लस फोर एक्स, फोर एक्स स्क्वेयर माइनस एट एक्स. नाउ सब्ट्रैक्ट देम, माइनस प्लस कट. एट एक्स माइनस फोर एक्स इज इक्वल टू फोर एक्स. नाउ थ्री ब्रिंग डाउन, फोर एक्स प्लस थ्री. नाउ वी नीड फोर एक्स. तो x माइनस टू मल्टीप्लाई बाय फोर, फोर इंटू एक्स, फोर एक्स, फोर टू ज़ा एट. तो वी राइट हेयर प्लस फोर, फोर एक्स माइनस एट. चेंज द साइन, माइनस प्लस. ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का था तो हमने माइनस लगा दिया. कट देम, थ्री प्लस एट इज इक्वल टू इलेवन, बोथ आर पॉजिटिव, सो प्लस इलेवन. अब ये हमारे पास नहीं डिवाइड हो सकता है, सो इट इज़ रिमाइंडर. सो वी राइट हेयर कोशेंट इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस फोर एक्स प्लस फोर, रिमाइंडर इज इक्वल टू इलेवन. क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन. नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन, एक्स रेज टू द पावर फोर प्लस फोर एक्स माइनस टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब माइनस टेन बाय एक्स माइनस टू. फर्स्ट वी राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द पावर्स. एक्स रेज टू द पावर फोर, देन एक्स रेज टू द पावर थ्री, नाउ माइनस टू एक्स स्क्वेयर प्लस फोर एक्स माइनस टेन. डोंट चेंज योर इट्स साइन. नाउ डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू. राइट इन डिवीजन फॉर्म, एक्स रेज टू द पावर फोर प्लस एक्स रेज टू द पावर थ्री माइनस टू एक्स स्क्वेयर प्लस फोर एक्स माइनस टेन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू. वी नीड फर्स्ट एक्स रेज टू द पावर फोर.
सो एक्स माइनस टू मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस टू एक्स क्यूब हियर वी राइट हियर एक्स क्यूब एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस 2 इंटू एक्स क्यूब 2x³ नाउ चेंज द साइन माइनस प्लस कट देम 2x³ एंड x³ कितना हो गया बच्चों 3x³ नाउ माइनस 2x² ब्रिंग डाउन माइनस 2x² नाउ वी नीड 3x³ सो एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3x² 3x² इंटू x³ 3 2 6x² तो वी राइट हेयर प्लस 3x² 3x³ माइनस 6x² चेंज द साइन माइनस प्लस कट देम 6 माइनस 2 4x² नाउ 4x ब्रिंग डाउन प्लस 4x नाउ वी नीड 4x² सो एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 4x क्योंकि स्क्वायर में चाहिए 4x² माइनस 4 2 8x तो वी राइट हेयर 4x² माइनस 8x एंड राइट हेयर प्लस 4x माइनस प्लस कट देम 8 प्लस 4 12x नाउ माइनस 10 ब्रिंग डाउन इसको नीचे ले आएंगे नाउ वी नीड 12x सो एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 12 12x 12 2 24 तो कितना आ गया 12x माइनस 24 वी राइट हेयर प्लस 12 Now subtract them, change the sign minus plus. Cut them 24 minus 10, 14. So our quotient is equal to x³ plus 3x² plus 4x plus 12 and remainder is equal to 14. Now question number 8, 8x² plus 21x plus x³ plus 18 by 6 plus 5x plus x². First write in descending order, first we write x³ then plus 8x² plus 21x plus 18. Now by change, it is not in a descending order so we can change it into the descending order according to the powers first we write x² then plus 5x plus 6 now divide it x³ plus 8x² plus 21x plus 18 divided by x² plus 5x plus 6 now we need x³ so x² plus 5x plus 6 multiply by x into x² x³ x into 5x कितना हुआ बच्चों 5x² 6 into x 6x तो वी राइट हेयर x नाउ x³ प्लस 5x² प्लस 6x सबट्रैक्ट देम चेंज द साइन माइनस 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 ये तो कट हो जाएंगे 8 minus 5, 3x² 21 minus 6x is equal to 15x Now 18 bring down plus 18 अब इसको क्या करेंगे हमें क्या चाहिए 3x² so multiply by 3 x² plus 5x plus 6 multiply by 3 3x² plus 3 5s are 15x 3 6s are 18 तो सेम आ रहा है ये हमारा तो वी राइट हेयर प्लस 3 3x² माइनस
यहाँ पर प्लस ही था बच्चों, 21 माइनस 6x प्लस 15x, क्योंकि बड़ा नंबर पॉजिटिव है, प्लस 15x प्लस 18। नाउ चेंज इट्स साइन, बोथ आर सेम एंड हैव नेगेटिव अपोजिट साइन, सो इट इज़ ज़ीरो, वी कैन कट देम एंड इट्स आंसर और क्वोशेंट इज इक्वल टू x प्लस 3। नाउ रिमेनिंग क्वेश्चन वी विल डू टुमारो।